अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? आप पुत्र कैंटा हो गया तेरे सामने ना। मेरे लिए स्पेशल है ना। क्या? आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन यू। ओह माय गॉड। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगी आपका एक करेक्टर था रेहान चौधरी का, आपने इनकार में किया था। इनकार वो मेरा सबसे फेवरेट है। और सबसे पहले तो एक चीज, आप इतने हैंडसम क्यों हैं? अरे सुन रहे हो, सुन भी रहे हैं और जल भी रहे हैं। नहीं नहीं, हम सुन भी रहे हैं और बताएंगे भी स्मार्ट क्यों हैं। पुत्र इतना खाना खाना है। और अल्लाह की कसम इन्होंने ना अपने गड्डी च तकड़ी रखी। ओदे उते तोल के खांदे ने। सर माशाल्लाह के माशाल्लाह कहती है ना, हमें भी कहती है क्या? हैंड्स अप। सलीम सर के लिए क्वेश्चन है जी। कहिए कहिए सर। आपका एक रोल था काश मैं तेरी बेटी ना होती, उसमें नेगेटिव करेक्टर था आपका, वो बहुत इंटेंस था कि इस तरह मैं अब कह सकती हूँ कि नफरत होने लग गई थी वो देख के। आपने इतना अच्छा किया वो, तो क्या डिफिकल्टी आई आपको उस रोल को प्ले करने में? वो मैंने कोई 12 साल पहले किया था, तो उस वक्त मेरी एज यकीनन कम थी जी। और मैंने उसमें दादा का रोल प्ले किया जी, जो तो परफॉर्मेंस से ज़्यादा उसके गेटअप की डिफ़िकल्टी थी, वो दाढ़ी और गेटअप और वो सारा जो था। और अब आपने इतने पुराने ड्रामे का नाम लेकर मुझे याद दिला दिया, तो आप वाकई बारीक बीन से काम देख रहे हैं। काश मैं तेरी बेटी ना होती। इमरान सर आपके लिए, आप अपनी नज़र उतार लीजिएगा, आज माशाल्लाह बहुत हैंडसम लग रहे हैं। उनकी बात मानो, कह रही नजर उतार ली सखावत, फिर आले दुआले से बाहर निकल जाए। आपका बहुत शुक्रिया।